तो आज हम एक ऐसी चीज लेके आए हैं जो काफी लोगों को नहीं पता होता, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, इसको पता था, इसने मुझे बताया, मैंने दुकानदार को बताया, दुकानदार ने हमें बताया, फिर जाके हमें ये मिला 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 नहीं खरीदा, यस खरीदा है हमने ये। इसकी कॉस्ट हमको पड़ी है, अभी अब सारी चीज अगर हम अभी बता देंगे तो आप वीडियो So basically ये स्टैंड बाय स्टीमर प्रेस है, आयरन मशीन है, जिसको आप मतलब स्टैंड बाय मतलब कि खड़े करके इसको प्रेस कर सकते हैं अपने कपड़ों को। और बाकी पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका डब्बा देख लो कितना बड़ा है, और ये भारी कम से कम 4-5 किलो 3-3.5 किलो 4 किलो का भी हो सकता है, हाँ 4 किलो का भी हो सकता है, 5 किलो ज्यादा होता है, 5 किलो है, आटे की बोरी लेकर आओ, अपनी बेइज्जती बिलावत करवा रहे हो, और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना। हाँ इसके हम एक पहले हम आपको इधर लेके आते हैं, मैं कैमरा पकड़ता हूँ जो कि मैं कैमरा में चलो तो इसके अंदर का मैं खोलने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें कुछ ऐसी चीज मिल रही है, ये पीछे बैग पे लगाने के लिए इसमें चिमटी लगेगी। ओके इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से करके दे रखी है। इसके साथ हमें बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का हैंगर मिल रहा है, जिसके अंदर हमें ये 2 क्लिप्स भी मिलती हैं, जो कि काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है जिसकी, जो कि आपको कपड़ा गिरने नहीं देगी, चाहे आप साड़ी टांगो चाहे आप गाउन टांगो। सो ये चीज मैंने इसकी निकाल दी है, मैं इसको नीचे साइड में रखूं। तो मशीन कुछ इस तरह से अंदर पन्नी पैक है पूरी। अब एक एक करके हम आइटम खोल के दिखाते हैं आपको। ये इसका होल्डर्स है ये दोनों, जिसके ऊपर आपका हैंगर लगेगा, इसकी छोटी बड़ी करने की क्लिप्स। पहले मैं इसकी एक एक्सेसरीज है जो की मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। हमें एक ग्लव मिला है, ग्लव जिसको आप पहन के ही इससे स्टीम प्रेस करना, वरना आपका हाथ जल सकता है बिकॉज स्टीम बहुत गर्म होगी। दूसरी ये है एक ये जो कि एक ब्रश है, हाँ ये इसलिए होता है जो पोट वोट होते हैं जिसपे रुए आ जाते हैं उसको हटाने के लिए, वो सब हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। एक ये चीज मिली है मुझे, ये शीट है पीछे की जो हमने हैंगर दिखाए थे उसके ऊपर लगेगा, और जो सबसे पहली चीज थी वो भी इसी के ऊपर लगेगा, हैंगर इसके ऊपर लगेगा। अभी हम इसको आपको असेंबल भी करके दिखाएंगे, तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, पूरी वीडियो को देखना। आप लोग देख सकते हो 2 घंटे के स्ट्रगल के बाद इसने बाहर निकाला है। क्या वायर दिया यार इन्होंने, मतलब ये पाइप कितना मोटा दिया और उसके ऊपर कितना सुंदर इन्होंने डिजाइन बना के दिया है हमें। जो नीचे है ना इतना मोटा, ये इसका वाटर टैंक है, यही वाटर टैंक है इसका। मैं ना आपको इसके कंपैरेटिवली ना काफी प्राइसेस दिखाऊंगी, मैं इसका कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आप क्लियरली देख पाओगे कि हमें ये लेना वर्थ क्यों पड़ा, वरना तो आउट ऑफ बजट तो ये भी ये है। अगर माना जाए कि प्रेस करने के लिए तुमको इतनी महंगी चीज लो तो इंसान को लगेगा, बट लेकिन मैं आपको बताऊंगी ना कि क्यों लेना चाहिए। बट हाँ यही तो है क्वेश्चन ही, तो हमारा मेन ये है इसको लेना चाहिए क्यों और क्यों नहीं। तो गाइस ये है इसका प्लग, चुकी जिसकी क्वालिटी ही काफी अच्छी दिख रही है, आप एक बार ज़ूम करके दिखाएं प्लीज। थोड़ा नीचे आइए प्लीज, ले लीजिए प्लीज, दिखाइए। ये देखो कितना मोटा वायर दिया है, और ये पावर की स्विच में ही लगेगा, पावर का वायर है वो भी। सो गाइस ये है हमारी स्टीम प्रेस, जिसके अंदर से आपको स्टीम मिलेगी जिससे आप कपड़े अपने प्रेस करोगे। हमें नहीं मिलेगी, कपड़ों को मिलेगी। बाकी मुझे तो काफी अच्छी इसकी फिनिशिंग और कलर बहुत सुंदर है, फिलिप्स ने कलर बहुत अच्छा चुना है। आपको प्लास्टिक चेक करके बताता हूं, प्राइस ही प्लास्टिक है, मजबूत है कि नहीं। ओ यहां पे सिर्फ प्लास्टिक वो नहीं चल रहा, प्लास्टिक अच्छी है देखा जाए तो। आगे वाली प्लास्टिक अलग है जो ये बना हुआ है, हाँ। ये थोड़ा दानेदार टाइप है, पीछे का स्मूथ है, आगे का इसलिए अलग है बिकॉज वहां से स्टीम निकलेगी, हाँ। बट ये स्क्रैचलेस प्लास्टिक है, स्क्रैच नहीं आ रहा। नीचे का बॉटम चेक करते हैं, नाखून मेरे हैं खैर थोड़े थोड़े, पर अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छा बना रखा है, प्राइस के हिसाब से, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो, हाँ। और पकड़िए मैम वापस आ जाइए अपने फील्ड पे। तो गाइस ये है हमारा वाटर टैंक जो कि यहाँ पे है, ये रहा, ये है हमारा 1.6 लीटर का जो कि ऐसे करके डीअटैच हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से आप पानी भरोगे, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ, यहाँ से आप पानी भरोगे, मैं वापस बंद करके आपको दिखाती हूँ, जैसे आपने निकाला है इसको आप वैसे का वैसे फिट कर दोगे, वेरी इजी। ओके सो गाइस ये जो हमें प्रेस मिल जाती है जिसको आप आयरन मशीन कहते हो, ये हमें मिल जाती है 1600 वॉट की, 32 ग्राम पर मिनट ये हमें स्टीम देगी, 32 ग्राम इन्होंने इसे डिफाइन कर रखा है पानी।
पानी पानी की मात्रा। अगर आप कंपेयर करोगे, मैं आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो अलग लेकर आने वाली हूँ, बट उसके लिए सबसे छोटा और प्राइस सेगमेंट भी सबसे बड़ा डिफरेंस बस यही था कि 6000 रुपए जो हमें ये मिल जाती है, और जो छोटी वाली 5000 रुपए में आजकल हमें क्या मिल रहा है, फिलिप्स की ही वो मशीन आती है, सिर्फ इतना स्टीमर होता है उसके अंदर। यहाँ पे एक वाटर टैंक होता है जिसके अंदर आप सिर्फ 2 से 3 कपड़े ही प्रेस कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये कम से कम 30 कपड़े एक टाइम पे प्रेस कर देगी, और बाकी कोई बड़ा छोटा कपड़ा हो तो अलग हो सकता है। इसके अंदर आपको 5 लेवल तक स्टीम प्रेस के मिल जाएंगे, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो कि यहाँ पे है। सबसे मेन बात और सबसे अच्छी जो आपको मिलेगी इसके अंदर ये है कि 45 सेकंड्स के अंदर ये स्टीम बना लेती है अपने अंदर, और आपको 45 सेकंड्स के अंदर ये स्टीम करने के लिए रेडी मिलेगी मशीन। तो गाइस वाटर टैंक को हमने नीचे रख लिया है और हम इसके अंदर स्टैंड्स लगाने जा रहे हैं। तो गाइस ये रहा इसका स्टैंड, इसको आपको ये वाली चीज के साथ यहाँ पे एक व्हाइट कलर की लाइन दी गई है उसके साथ मैच करके लगाना है। नहीं फिट हो गया, दोबारा से लगाओ। एक खोल लेने के बाद उसको टाइट कर देंगे तो बंद हो जाएगा वापस। सो गाइस इनको मैंने अटैच कर लिया है, यहाँ पे क्लिप्स थी इसके अंदर इंसर्ट करके। अब मैं आपको इसके अंदर आपको लगा के दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने मशीन को उल्टा कर दिया है, आपको पहले इनको यहाँ पे टक करना है, देन ये जो क्लिप्स हैं इनके अंदर आपको ये ऐसे पोल्स के अंदर इंसर्ट करना है। इसके ऊपर ये लगा के दिखाती हूँ आपको, और हमारी मशीन रेडी है। सो जो इलास्टिक वाला पार्ट है वो है यहाँ पे ये 2 क्लिप्स, इनके अंदर आपको इसको लास्टिक को टक कर देना। सो गाइस मैं इसका ये ब्रश आपको लगा के दिखाती हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जस्ट इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे पुल करके टक कर देना है। क्यों नहीं, तो ये इसी के हेड जितनी खड़ी हुई साथ में, एंड आई थिंक आई एम 5'5" 6" और तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने कपड़ा लगा दिया इसके ऊपर और इसको प्रेस करेंगे, ऐसे भी ऑन नहीं है, हम बस एग्जांपल दे रहे हैं ऐसे। और जब आपको सिर्फ स्टीम करना हो तो आप ये रुए वाला सिस्टम हटा सकते हो इसके आगे। सो गाइस इसमें जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बस ये है, मैं आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ मेरा वॉइस ओवर ले लें, जो कि आपको अपने कपड़ों को सिर्फ वर्टिकली प्रेस करना है। टेबल पर रख के आप इस मशीन को ऐसे ऐसे नहीं चला सकते हो, या ऐसे ऐसे नहीं चला सकते हो। अगर वाटर लीकेज हो इसके अंदर से तो आपको वहीं पे कि वहीं आपको मशीन को बंद करना है, और 45 सेकंड्स तक तो आप एटलीस्ट वेट करो अपनी स्टीम को बनने का, एकदम से मत स्टार्ट कर देना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना।